40 या 45 साल से ऊपर की लेडीज, ये जिनको पीरियड्स बंद हो गए हैं, जिनको हम मेनोपॉजल बोलते हैं, उनमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। वैसे तो आपने बताया कि हमारा इंडिया में एज पर द डाटा, इंडिया में शायद पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है और मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट भी है। या बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं जिनका मेनोपॉज होने वाला है या हो चुका है, स्पेशली जिनका हो चुका है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली डॉक्टर शफीक और मेरे पास शायद सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप की फीमेल्स आती हैं जिनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, ये बार बार एंटीबायोटिक लेती हैं, बार बार 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कॉमन जो होता है वो यूरिन इन्फेक्शन होता ही नहीं, इनमें होता है सेनाइल वेजिनाइटिस, होता है कुछ ग्रुप में यूरिन इन्फेक्शन होता है एसोसिएटेड, स्पेशली वो फीमेल्स होती है जिनमें डायबिटीज भी अनट्रीटेड होता है, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है और ठीक नहीं होता है। लेकिन जो बाकी फीमेल्स होती हैं उनको हम लोग उसमें क्या कहते हैं, सेनाइल वेजिनाइटिस या एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहते हैं, जो हमारी वेजाइना की वॉल है वो थिन हो जाती है, उसके जो नेचुरल तरीका जो यंग एज में होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब क्या होता है, क्योंकि हमारी यूरेथ्रा जो फीमेल्स का पेशाब करने वाली जगह और वेजाइना वो बहुत पास में है, तो तुरंत से वो वाला एरिया भी अफेक्टेड हो जाता है और वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, और उनको बेसिकली जब वो यूरिन करती हैं तो यूरिन बाहर की तरफ जो कट्स होते हैं उसमें उनको बर्निंग होती है और उन्हें लगता है उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जबकि उनको इन्फेक्शन यूरिन का नहीं होता, उनकी वॉल जो होती है थिन हो जाने की वजह से होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज आई हैं जिनको मैंने ठीक कर दिया है, एंड टच वुड आई थिंक बहुत सारी शायद डॉक्टर शफीक के पास वापस ना गई हो मेरे से ठीक होने के बाद, तो हम उन्हें ठीक कर देते हैं और उन्हें हम ट्यूब्स लोशंस लगाने को देते हैं जिनसे उनकी वॉल वापस स्मूथ। एक छोटी सी बात मैं हर पेशेंट को अपनी कहती हूँ कि जैसे हम अपनी फेस का ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने मुंह का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, हमें अपने नीचे के अंगों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उन्हें भी केयर की जरूरत है। अगर हम उन्हें स्मूथ रखेंगे, मॉइस्टर्ड रखेंगे और उनको ड्राई नहीं होने देंगे तो हमें वहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट वन थिंग मोर मैं ये ऐड करना चाहूंगी, फीमेल्स जो होती हैं, जो आप अपना फ्लश यूज करती हैं, जो हम लोग जेट्स यूज करते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में उस जेट को ना यूज करें, बहुत सॉफ्ट जेट होना चाहिए और या तो आप मग से यूज करें, क्योंकि अगर आप हार्ड जेट यूज करेंगी वो कट जो आपको दिखेंगे नहीं उसमें आपको बर्निंग होगी।